ग्रामीण इलाके में कुछ लोगों द्वारा की गई मारपीट में बुरी तरह से जख्मी आदिवासी बालक की आखिरकार मौत हो गई। कोरबा से रायपुर रेफर करने पर भी उसे नहीं बचाया जा सका। घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार दोषियों ग्रुप को कठोर सजा देने की मांग परिजनों ने की है। सिविल लाइन थाना रामपुर के अंतर्गत नकटीखार गांव के अवधराम मंझवार के पुत्र के साथ होली से पहले यह घटना हुई थी। परिजन बताते हैं कि उनका पुत्र किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, वहां उसके साथ मारपीट की गई। उसके सिर, चेहरे और गुप्तांग में काफी चोटें आई। वह बेहोशी की स्थिति में अपने घर पहुंचा था और इस बारे में परिवार के लोगों को अवगत कराया। जब घर पहुंचे तो क्या हालत में बेहोश हालत में तो कौन लाके छोड़ी से अपन पैदल लेके एकदम बेहोश हालत में खून पूरा जाम हो गई थी। खून 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 पूरा खून और कहाँ कहाँ मारे रही सोला पूरा यहाँ चोट लग रही से देह यहाँ लग रही से। जिसके बाद उसे कोरबा के जिला अस्पताल ले जाया गया, बाद में सिम्स और फिर रायपुर रेफर किया गया। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। तो फिर ओला कहाँ भर्ती करे थे? फिर मौत कब हुई, कैसे हुई? मौत तो यहाँ बिलासपुर भर्ती करे खत्म ना बिलासपुर ले रिफर कर दी रायपुर। रायपुर में ना 10 तारीख भर्ती करें। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने मामले की रिपोर्ट रामपुर सिविल लाइन थाना में लिखवाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें लोगों को करतला भेज दिया गया। बाद में तुमन थाना में शिकायत करी गए? हाँ, का बोलिस सही हाल चौकी ले करतला भेज बोलिस कुछ नहीं मिली सादा सादा मिली तो हमारा लड़का ला सपा हुआ कि 15 महीना दे यहाँ ले बताई कि। कांग्रेस नेता अजीत दास महंत ने बताया कि मारपीट की घटना में ही किशोर की मौत हुई है, इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये मारे हैं उसका कारण तो अब क्या कहा जा सकता है। ये लोग नाबालिग लड़के थे और गए हुए थे। अब मैं तो इतना बोल नहीं पाऊंगा कि मतलब किस वजह से ये लोग के साथ घटना घटी। एक लौता पुत्र था ये बहुत बड़ी क्षति है इनके लिए। हम लोग गांव के लोग चाहेंगे, परिवार वाले चाहेंगे कि अगर उसके साथ जिसने भी अत्याचार किया है, मारपीट किया है, उसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए उसकी और सजा मिलनी चाहिए उनको, जो बंदे दोषी हैं उनको। घर के एक सदस्य की मौत होने से पूरा परिवार ही नहीं बल्कि ग्रामीण दुखी है। लोगों को इंतजार है कि जिनकी वजह से बालक की मौत हुई उन पर कार्रवाई कब तक होती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट।